सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर को लेकर। टाटा मोटर में आप लोग देखो, एक भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिला है, एक बिग फॉल आते हुए नजर आया। 6% के करीब जो शेयर है वो फिसल चुका है। आखिरकार कारण क्या है? अभी ओपन होते स्टॉक में इतना बड़ा फॉल आया है, जबकि रिजल्ट इसके इतने शानदार आते हुए नजर आए हैं, उसके बावजूद आप लोग देखो कितना बड़ा फॉल, कंपनी ने इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। और आप लोग ने देखा भी होगा, 17,000 करोड़ प्लस का प्रॉफिट है, 17,400 करोड़ के आसपास का। उसके बाद क्यों स्टॉक में इतना बड़ा फॉल बना, कहाँ कमी आई है रिजल्ट्स में, वो जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ एक चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि नेगेटिव यहाँ पर पा सकती है, और वो हमने देखी भी थी, ठीक है। जैसे कि एक तो आप लोग मार्केट को एक्सपेक्ट थे जो रिजल्ट्स, उस प्रकार के कंपनी रिजल्ट्स नहीं दे पाई है। हालांकि प्रॉफिट्स काफ़ी शानदार हुए हैं, मैं भी मानता हूँ अर्निंग पर शेयर काफ़ी शानदार इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग देखोगे बाजार को भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट होता है, और उसके ऊपर अगर रिजल्ट्स नहीं आते, उसके ऊपर नहीं उतरता है, तो वहां से आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर असर रहेगा। लेकिन उसके बावजूद आप लोग देखोगे बहुत सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आते हुए नजर आई है, जहां पर शेयर को लेकर बिल्कुल बुलिश है, ठीक है। एक आध ब्रोकरेज को छोड़कर और स्टॉक के ऊपर में टारगेट जो दिए जा रहे हैं 1200+ के टारगेट दिए जा रहे हैं, इसलिए इस गिरावट को लेकर परेशान नहीं होना है। आज स्टॉक 6% फिसल गए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रेशर है मार्केट पे, हमें दबाव देखने को मिल रहा है ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ये काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते भी कहाँ पर जो ना भी सबसे बड़ा जो पॉइंट्स है वो है, और जिसके वजह से स्टॉक के ऊपर ये असर हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। जैसा कि आप लोग देखोगे भी इसके जो मार्केट एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, उससे जो इसकी अर्निंग्स है, ठीक है, वो आप लोग देखोगे वो काफ़ी शानदार EPS आप लोग देख सकते हो भी। अर्निंग पर शेयर अगर बात करें तो 150% के आसपास इंक्रीज हुआ है। 18-26 का एक्सपेक्ट किया गया था, आया कितना है 45.59 रुपये का, यानी कि ऑलमोस्ट डबल आते हुए नजर आए, डबल से भी ऊपर में गया है भाई, ठीक है। और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोग देखोगे जो रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था ना, यहाँ पर मार खा गया। रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था आप लोग देखोगे लगभग 1.22 लाख करोड़, और आया कितना भाई लगभग 20,000 करोड़ के आसपास आप लोग देखो, जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से आते हैं वहां से ये मिस होते हुए नजर आया भाई। यहां पर जो डाटा दिया गया है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर इसी वजह से जो ना भी स्टॉक के ऊपर ये मार पड़ते हुए नजर आई है। जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड से फिसला है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमें गूगल के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम कंसोलिडेटेड रिवेन्यू देखो 1 लाख करोड़ प्लस ये भी ऊपर में है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखोगे भी और कहाँ पर ये मार पड़ते हुए नजर आई है, तो यहां से तो स्टॉक फिसला ही फिसला है। उसके बाद आप लोग देखोगे जैसे कि यहां पर, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी टाटा मोटर्स ने जो पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स मेकर हैज रिकॉर्डेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स ऑफ रेट 17,407 करोड़, तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट इन्होंने जो भी जनरेट किए हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो ग्रो होते हुए नजर आया है ऑलमोस्ट 222% के करीब, आप लोग देख सो क्रॉसपॉन्डिंग ईयर यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे, वहाँ से इतना ज़बरदस्त उछाल आते हुए नजर आया है। उसके बावजूद आप लोग स्टॉक में गिरावट है। उसके बाद आप लोगों देखोगे भी और हमें क्या कुछ देखने को मिला है, ये जो सेल्स ग्रोथ वगैरह आपको देखने को मिल रही है उसके अंदर भी काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आया है, ठीक है। ऑपरेटिंग नंबर्स है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, ठीक है। उसके बाद लैंड रोवर की जो जैगुआर और लैंड रोवर की जो सेल्स रिपोर्ट्स है वो अभी आप लोग काफ़ी शानदार इंक्रीज हुई है, उसके अंदर भी ग्रोथ आते हुए नजर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक फिसला है। तो वो कहीं ना कहीं आप लोग जो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू था उसके मामले में थोड़ा सा जो कमी है उसी की वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा असर आया है। और बाकी रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है भाई, पैनिक नहीं होना है, जैसा है स्टॉक को वैसे रखने के लिए आई थिंक सही रहेगा। आगे जो कोई भी खबरें आएंगी इसके रिगार्डिंग वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। सपोर्ट वगैरह क्या रहने वाली है अभी इस लेवल के ऊपर, क्या ये जो अभी के टाइम फिसलन आया है स्टॉक में, जो गिरावट बनी है, ये हमारे लिए मौका है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों देखोगे जो ब्रेकआउट लेवल्स थे वो तो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं, उसके अपोजिट स्टॉक जो अभी नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन को भी काट गए हैं, और जो नीचे में सपोर्ट था 976 इसे भी नीचे में ब्रेक कर गया, तो अगला जो सपोर्ट रहेगा 945 का रहने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि स्टॉक अभी यहाँ से जो एक अच्छी खासी रिकवरी लेते हुए नजर आए, मार्केट में भी ठीक ठाक माहौल बने, उस कंडीशन में स्टॉक में तेजी बनने के जो संकेत है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी टाइम आपको पैनिक नहीं होना, अभी मैं तो एक बात कहूँगा, अगर आपके पास शेयर है पैनिक सेलिंग मत करो, जैसा है वैसा स्टॉक को अभी होल्ड रखो, ठीक है। आज स्टॉक में गिरावट आई, कल रिकवरी भी ले लेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।